ये थोड़ा सा लैक मुझे लगा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आज लेंगे हम टेस्ट ड्राइव टाटा पंच की। सामने खड़ी है, फिलहाल मैं हूं मिठास टाटा मोटर्स पे। ये मुजफ्फरनगर में लोकेटेड है और इस गाड़ी के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था तो मुझे फाइनली ये गाड़ी मिल गई है। मैं आपको बता दूं, ये है टॉप मॉडल जो फिलहाल हम आज टेस्ट ड्राइव जिसका लेने वाले हैं। ड्यूल टोन में कैसी लग रही है गाड़ी आपके सामने है, बस फटाफट से चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं, इसको चला के देखते हैं यार सबसे पहले, तभी पता चलेगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। और इसका इंजन जैसे 1.2 का दिया हुआ है तो ये क्या वर्थ है। और वैसे तो देखने में बिल्कुल ये निक्सॉन की कॉपी ही लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे निक्सॉन का छोटा भाई पैदा कर दिया है टाटा ने। चलिए फिलहाल जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरह की है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत 6,15,000 ऑन रोड प्राइस से शुरू होती है। ध्यान रखिए मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, 6,15,000 ऑन रोड से शुरू होकर ये 10,55,000 रुपये तक जाती है। वहीं इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे जो 86 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। फिलहाल बता दूं ऑटोमेटिक में भी सेम आपको पावर है वो मिल जाती है। वहीं माइलेज की बात करूं तो ये करीबन 19 के आसपास का एवरेज जो है, जो ARAI सर्टिफाइड है वो 19 के आसपास का एवरेज जो है वो आपको मैनुअल में मिलता है, वहीं 18.5 का आपको ऑटोमेटिक में मिल जाता है। ड्राइविंग रेंज भी दोनों की 702 और 796, यानी कि मैनुअल 702 और ऑटोमेटिक 796 है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, फिलहाल हम कर देते हैं गाड़ी को बंद। ये है गाड़ी की की आपके सामने है। फिलहाल यहाँ पर जो है आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है जो इस तरफ है, आपको दिखाता हूँ, यहाँ है, बस आपको बटन दबाना है, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। नहीं परफेक्ट, चाबी किस तरह की आपके सामने है, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल हम। फिलहाल चाबी किस तरह की है? अब देख लीजिए, लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और ये इसको होम करने का जो लाइट वाला ऑप्शन होता है वो है। फिलहाल गाड़ी की चाबी रख देते हैं और चलते हैं अपनी टेस्ट ड्राइव पर, देखते हैं गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस। अनलॉक, मेरे साथ में है दोस्तों रवि। रवि टाटा मोटर्स से हैं और हमारी टेस्ट ड्राइव में हमारी हेल्प करने वाले हैं, बताएंगे हमें गाड़ी का जो प्राइस वगैरह है एस्टिमेटेड कितना रह सकता है। अपनी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो कंप्लीट कर लें। अब गाड़ी जो है दोस्तों शोरूम से निकल गई है, फिलहाल अब लेते हैं इसका एक पहले तो इसका टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। टेस्ट ड्राइव के साथ इसका जो पिकअप टेस्ट है वो भी एक बार कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इसका पिकअप है कैसा। तो सबसे एक काम करते हैं, पहले हम सबसे पहले इसका पिकअप टेस्ट ही ले लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। तो फिलहाल गाड़ी खड़ी हो चुकी है, चलिए इसका एक पिकअप टेस्ट लेते हैं। दोस्तों इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने ये इसका एक्सीलरेशन दिया तो अचानक से जो है गाड़ी रुकती है, मतलब कहीं ना कहीं अंडर पावर आपको जो है फील होगी जब आप अगर इसको भगाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको वो मजा देने वाली नहीं है, अंडर पावर लगती है, लेकिन एक बार एक थ्रॉटल पे आने के बाद में ये अच्छा परफॉर्म करती है। गाड़ी करीबन 15 सेकंड के आसपास में जो है 80 तक पहुंची है। ओवरऑल मैं सही बताऊं तो तीन फिलहाल ये बता रही है हमें सिटी मोड पर जो है। दोस्तों हम इसको चला रहे हैं, अभी हमने इसका मोड वगैरह जो है वो चेंज नहीं किया है। इसके अंदर वैसे दो मोड हैं, इको और सिटी, सिर्फ दो मोड्स हैं इसके अंदर, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं आता है। फिलहाल गाड़ी का एक्सपीरियंस जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग भी इसकी अच्छी है, हैंडलिंग भी करके हमने देख लिया तो हैंडलिंग में भी कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा नहीं है, बहुत स्मूथ ड्राइविंग है। और एक कहीं ना कहीं जैसे शुरुआत में चलते हैं तो थोड़ी सी जो हिचक करती है गाड़ी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर करती है। जैसे फिलहाल अभी हमने गियर डाउन करते हैं इसका सेकंड पे, अब कर लिया है फर्स्ट यहां से। अब देखिए जैसे हम चलाते हैं ये थोड़ा सा लैक मुझे लगा, हो सकता है कि अभी मैं पूरा एक्सीलेटर दिया है, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से निकलती है। फिलहाल आपके सामने है ये चली है आगे की तरफ, 50 की स्पीड पर ये पहुंच चुकी है, तो करीबन आप मान लीजिए 5-6 सेकंड 7 सेकंड के अंदर ये 50 जो है पहुंच गई है। फिलहाल बात कर लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं गाड़ी को कैसे भी मोड़ रहा हूं, मतलब मोड़ने में भी अच्छी है, अगर मैं चलाने की बात करूं तो चलाने में हैंडलिंग मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल कहा जाए तो गाड़ी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। अब पंच तो लगने वाला है, पंच कहाँ लगेगा पता नहीं, क्योंकि भाई मैंने इस गाड़ी को ड्राइव करके देख लिया है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आपका बजट 6-6.5 के आसपास ऑन रोड जो है ये गाड़ी आ जाएगी, 5-80 के आसपास जो है वो रहेगा इसका प्राइस। और इसको एक बार ना इसका क्रूज कंट्रोल भी अभी हम ओपन करके देखेंगे और क्रूज कंट्रोल करके देखते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है क्रूज कंट्रोल के हिसाब से कैसी चलती है और कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। दोस्तों इसका क्रूज कंट्रोल भी हमने चेक कर लिया, क्रूज कंट्रोल बढ़िया रहा, लेकिन वो वीडियो ग्लिच की वजह से हम इसका क्रूज कंट्रोल जो है शूट नहीं कर पाए,
लेकिन क्रूज कंट्रोल मैंने इसका चला के देखा है, बहुत परफेक्ट जो है इसका क्रूज कंट्रोल चल रहा है। फिलहाल हम चलते हैं और गाड़ी को मोड़ लेते हैं एक बार और देखते हैं भैया इस तरफ से गाड़ी है। हमेशा अपना इंडिकेटर देके वेट करिए, कभी भी गाड़ी को रिस्की नहीं चलाना चाहिए। जब आपको लगता है खाली है और दूसरी गाड़ी आपके साइड वाली भी मुड़ रही है तभी गाड़ी मोड़े भैया, कभी भी रिस्क ना ले रोड पर। और टाटा तो भाई टाटा है, फिलहाल मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है टाटा का मुझे लगा है। फीचर्स बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो बहुत ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर, जो अभी तक टाटा जहाँ मिस करती थी तो वो उन चीज़ों को भी कवर किया गया है। फिलहाल ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी गाड़ी बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग का भी बताया गया है कि इस गाड़ी को आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस जो है इसका गाड़ी का मिलेगा। फिलहाल हम आ चुके हैं दोबारा से टाटा के शोरूम पर जहाँ से हमने टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी ली थी। आपको दिखाता हूँ, आपको भी अगर इसका कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसके गाड़ी के रिलेटेड चाहिए तो आप वो पता कर सकते हैं मिदास टाटा मोटर्स पे फ़ोन करके। नितीश का नंबर मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो सारी वहाँ से मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये था गाड़ी का जो एक्सपीरियंस था, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। वैसे मैं कभी बताऊँ मेरी नज़र में ये गाड़ी बहुत परफेक्ट निकली है और मुझे बहुत मज़ा भी आया इस गाड़ी को चलाने में, और हैवीनेस बहुत है। यकीनन ये एन कैप अगर इसका होगा तो ये 100% 5 स्टार जो कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी गाड़ी और इसकी टेस्ट ड्राइव मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।